देखना चाहता हूँ, पर वो बहुत शर्माती है और झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। मामा रेडी रेडी। परियों के बड़े बड़े पंख होते हैं ताकि वो उड़ सके, और उनके पास परियों वाला जादुई पाउडर भी होता है ताकि वो जादू करे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये डब्बा तो खाली हो चुका है, किसने खाए ये सारे चॉकलेट्स? वो तो परियों ने। हाँ, परियों ने खा लिए होंगे। परियां चॉकलेट्स नहीं खाती है हेनरी। चुप कर, जीभ दिखाओ दोनों। पर अभी ऐसा लगता है कि परियों ने ही तुम्हारी जीभ को लाल कर दिया है। मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी राल्फ, और तुम्हारे लिए हेनरी, तुम इस वीकेंड पर कोई वीडियो नहीं देख सकते। पर इस बार मेरी बारी है। ये तुम्हें सारी चॉकलेट्स खाने से पहले सोचना चाहिए था। पर मैंने सारी चॉकलेट्स नहीं खाए। पीटर, इस बार तुम चुनोगे। ये हुरे, मुझे फिर से परियों की दुनिया दिखनी है। परियों की दुनिया नहीं। परियों की दुनिया तो बच्चों के लिए है। पता है, 21 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी। हो सकता है पीटर कोई शैतानी कर दे और तुझे इस बार चांस मिल जाए। पीटर कोई शैतानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चल, मेरी मॉम आ गई, मैं चलता हूँ। राज सही कहता है, मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ, लेकिन पीटर कभी नहीं पकड़ा जाता। कोई शैतानी क्यों नहीं करता कभी? हाँ। देखो हेनरी, मैं परियों के पंख बना रहा हूँ, पर मुझे कोई कपड़ा चाहिए था। तू डैडी का शर्ट क्यों नहीं ले लेता? पर ये डैडी का फेवरेट शर्ट है, मैं डैडी का फेवरेट शर्ट कैसे खराब कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होगी। ओह ठीक है फिर। मम्मी, पीटर ने डैडी का फेवरेट शर्ट ले लिया। क्या? पर पीटर भला ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, कहता है परियों के पंख बनाएगा। परियों के पंख? हाय मेरा बच्चा, कितना टैलेंटेड है। पीटर को फंसाना इतना आसान काम नहीं है, सब सोचते हैं वो बड़ा अच्छा बच्चा है। ए! गाना कौन बजा रहा है? आउच, आउ। अच्छा था मार्गरेट। वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं परी का रोल कर रही हूँ हेनरी। मतलब सबसे परी ना? मेरी बात सुन अकल के दुश्मन, मेरी मम्मी ने मुझे मॉन्स्टर मैजिक किट दिया है। मॉन्स्टर मैजिक किट? और एक डबल धमाका पिचकू गन भी। डबल धमाका पिचकू गन भी? और एक स्वीटी क्यूटी वॉकी टॉकी प्रीटी प्रीटी डॉल भी दी है। और एक वो, मुझे वो सड़ेली डॉल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। निकल जा यहाँ से। एक या 10 डबल धमाका पिचकू गन्स के लिए भी मैं ये गंदा परी वाला डांस नहीं करता, कभी भी नहीं। तुम सब परियों में से सबसे वो समझी। आइडिया फटे परिया। हाय मेरी स्वीटी क्यूटी वॉकी टॉकी बेबी बेबी प्रीटी प्रीटी डॉल। यस। इससे काम बन जाना चाहिए।
हेनरी देखो मैंने पंख बना लिए। तुम्हारे हाथ में क्या है हेनरी? अच्छा प्रॉमिस कर अपने पर्पल हैंड गैंग का पक्का प्रॉमिस कि तू इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस? अगर तुझे एलियंस कहीं ले गए और तुझे टॉर्चर किया तो भी। जादुई पाउडर। जादुई पाउडर? वाओ, ये तो ग्लिटर जैसा दिखता है। हाँ तो ये ग्लिटर जैसा ही दिखता है। तुझे क्या लगता है ग्लिटर कहाँ से आता है? एक परी ने तो इसे छोड़ा है, मैंने उसे देखा है। क्या परिया? तुमने असली परियों को देखा है हेनरी? मैं भी उन्हें देख सकता हूँ प्लीज? वो सिर्फ रात को बाहर आती है। कोई बात नहीं, मैं मम्मी से देर तक जागने की परमिशन ले लूंगा। नहीं किसी को मत बता, तूने पक्का प्रॉमिस किया है याद है? ओ हाँ हाँ, क्या तुम उन्हें 7:30 बजे के पहले नहीं बुला सकते? क्या? वो मैं सोच जाता हूँ ना। ओ अच्छा, तू तो बड़ा छोटा सा नन्ना सा बच्चा है ना जो देर रात तक नहीं जाग सकता। ओ, मैं सच में उन परियों को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यस। मैंने परी के लिए कुछ स्नैक्स लिया है। ओह हाँ, और थैंक यू लेटर उस परी के लिए जिसने मुझे गिफ्ट दिया, और मेरे बाइनोकुलर्स भी ताकि मैं उन्हें ठीक से देख सकूं। हाँ हाँ, और ये मेरा। जल्दी कर, चढ़ जाओ ऊपर, वहाँ से परियों को अच्छे से देख पाएगा तू। ओह ये तो कितना ऊंचा है। नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैं मदद करता हूँ। अब ऊपर जा और ऊपर। इतना ऊपर ठीक है हेनरी? उफ, क्या क्या करना पड़ रहा है। हेनरी, वाओ, एक परी, वाओ, एक असली परी। कोई यकीन नहीं करेगा। हेनरी, वो चली गई। मुझे नीचे उतारने में मदद करो हेनरी। हेनरी। क्या प्लानिंग की है बॉस? अब पीटर को कुछ दिनों तक रूम में बंद रखेंगे और मैं खुशी से नाचूंगा। पीटर? पीटर, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। तुम पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो पीटर? मैं परी देखने आया था। बकवास मत करो पीटर। मैंने उसे देखा है। नीचे उतरो इसी वक्त। ये परियों वाली बकवास बंद करो। देखो खुद का क्या हाल बना लिया है। ये सब हेनरी की गलती है, उसी ने मुझे झाड़ पर चढ़ाया था। हेनरी चुपचाप अपने कमरे में सोया है, तुम झूठ मूठ का हेनरी पे इल्जाम लगा रहे हो। तुमने बहुत शर्मिंदा किया है मुझे पीटर। ये तो मेरी फेवरेट शर्ट है। अब चलो सीधे रूम में और बाहर मत निकलना। बाय बाय परियों की दुनिया। हेनरी, हेनरी, सॉरी मैं तुम्हें जगा रही हूँ बेटा। कोई बात नहीं मॉम। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पीटर की परियों वाली फोटो देखकर कितने खुश हो जाओगे। देखो। नहीं। अब तुम सो सकते हो हेनरी। मुझे लगता है मार्गरेट को भी ये फोटो बहुत अच्छी लगेगी। नहीं। और तुम्हारी टीचर्स को भी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सबको ईमेल ही कर दूँ। किसने सोचा था कि हमारे घर में एक सुंदर सी परी है। नहीं।